ये हैं सेठ जी मोनिश राजा। आप दोनों टायर के मिला के हो गए आपके 8,000 रुपए। हाँ लड़के को भेज दो, मैं यही मिलूंगा। अरे जीतू। हाँ साहब। इधर आप। आया साहब। और ये हैं इनका वर्कर जीतू, जो हमेशा पैसों के लिए शॉर्टकट ढूंढता रहता है। हाँ साहब। देख जीतू, ये कंपनी वालों ने डिफेक्टिव पीस भेज दिया। इस बारे में मेरी उनसे झड़प भी हो गई। मैंने कहा तुम्हारा माल कभी नहीं लूंगा, तो उन्होंने भी सालों ने फोन काट दिया। अब देख बात ऐसी है कि ये अगर किसी के लग गया, यहाँ से निकल गया, तो चलती गाड़ी में फट जाएगा, बेचारों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको किसी को बेचना मत, साइड में जाके पटक दे, ठीक है? अरे साहब, आप ही डिफेक्टिव उपेक्टिव छोड़ो, आप तो मुझे ये बताओ ये बेचना कितने में है? कितने का है और किसको बेचना है ये सब छोड़ दे, बात पैसे की नहीं है, बात किसी की जान की है। तेरे को जितना बोला उतना कर दे, जाके रख दे साइड में इसको। अरे आप मुझे जानते नहीं हो, मेरी बेचने की टेक्निक अलग है, ये टायर तो मैं किसी को भी टिका दूंगा साहब। नहीं अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है, तो जाके साइड में रख दे, जितना बोला उतना कर जा। अरे जीतू भाई। अरे अभी भाई तू यहाँ पर कैसे? यार भाई आज ना मुझे तेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे यार ऐसी क्या मुसीबत आ गई, तू भी तो खुद मुसीबत ही है। अरे यार भाई मुसीबत ही तो हो गई है, दोस्त की कार ले गया था, टायर पड़ गया बीच में, अब मुझे ना टायर चाहिए, सस्ता सा टायर दिखाते बस यार भाई प्लीज। देख ले भाई 3500 का भी है, 4500 का भी है, 5500 का भी है, देख ले जो तुझे पसंद आए। यार भाई फिर तो मैं फंस गया, इतना बजट नहीं है तेरे भाई के पास, समझ बात को। ठीक है यार। अरे सुन, तेरे लिए भी एक टायर मेरे पास, आ जा। सही बता। ये देख भाई 3000 रुपए का टायर है तेरे लिए, मात्र 1000 रुपए में, A1 कंडीशन का टायर है। इतना बढ़िया टायर तू सिर्फ मुझे 1000 में दे रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अबे साले तू आम का ना गुटलिया क्यों गिन रहा है, लेके निकल सुन पैसे। 1000 रुपए पूरे तो चांदी हो गई। अरे जीतू, मैंने जो तेरे को टायर दिया था ना डिफेक्टिव वाला, वो लेकर आ। टायर साहब वो तो डिफेक्टिव था ना, आप उसका क्या करोगे? अरे अभी कंपनी वालों का फोन आया, बोल रहे थे आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, और जो डिफेक्टिव टायर था ना उसको चेंज करके दूसरा टायर दे रहे हैं। देख अपने पैसे बच गए। साहब पता नहीं उसको मैं खा रख के भूल गया साहब। ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं साहब, मुझे एक काम याद आ गया, मैं भी आता हूँ। अरे जीतू इसे क्या हो गया? अरे हाँ भाई आ रहा हूँ, 10 मिनट में तेरी गाड़ी लेके आ रहा हूँ। अरे भाई यार तूने टायर लगवाया तो नहीं ना? अभी लगवाया तो नहीं पर लगवा रहा हूँ। अरे यार भाई वो टायर तो मुझे वापस दे दे। टायर वापस दे दे क्यों? अरे भाई यार उस टायर की वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ गई, तू तो ये पकड़ 1000 रुपए और मेरे टायर वापस दे। तो ये पैसे तो तुझे दिए थे ना, तो तेरी नौकरी क्यों खतरे में आ रही है यार? मैं नहीं दे रहा टायर वायर यार। अरे भाई वो टायर तेरे ऐसे भी काम का नहीं है, वो तो डिफेक्टिव पीस है। डिफेक्टिव पीस? हाँ भाई मैंने थोड़े से पैसों के लालच में वो टायर तेरे को टिका दिया। तो अच्छा तो तूने तेरे लालच के चक्कर में दोस्त को ही डिफेक्टिव पीस चिपका दिया, वो तो अच्छा हुआ मैंने मेरे दोस्त की गाड़ी में लगवाया नहीं, नहीं तो उसका हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अरे यार भाई तेरी ये सब बातें ठीक है, अब मेरा सेट और टायर मेरे से वापस मांग रहा है, अब मुझे तो टायर दे दे यार, मेरी नौकरी का सवाल है भाई, दे दे यार। चल छोड़, वैसे ये टायर कितने का है? भाई 3000 रुपए का। अच्छा अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, देख मेरी बात सुन, टायर 3000 का है, ये टायर तभी यहाँ से जाएगा जब तू मुझे 3000 रुपए देगा। क्या 3000 रुपए? हाँ हाँ भाई पर तेरा भी कहना सही है, लालच मैंने किया ही तो भुगतूंगा भी मैं तुझे, तो 3000 ही देता हूँ, 1000 रुपए पकड़ और 2000 ले भाई, ना टायर दे दे मुझे। साला लालच नहीं करना चाहिए था, 1000 के चक्कर में 2000 लग गए, आज ही सैलरी मिली थी। लालच बुरी बला है, सुना तो होगा ही सही, आज देख भी लिया होगा। ऐसे ही मजेदार और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे पेज मोनिश राजा को फॉलो करें।